Okay, now we discuss the session of while loop concept in PHP. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि while loop it is similar to for loop. ये for loop के जैसे ही होता है. उसका रीज़न ये है कि for loop भी पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. और while loop का काम भी लगभग लगभग वही है कि पहले ये कंडीशन चेक करेगा, इट ऑल्सो चेक कंडीशन फर्स्ट देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, उसके बाद वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. वी विल मोस्टली यूज़ while loop टू क्रिएट इनफाइनाइट while loop. ठीक है, इनफाइनाइट जब भी आपको कोई भी लूप क्रिएट करना है तो ऐसे केसेस में हम while loop को मैनेज करते हैं. वी विल मोस्टली यूज़ while loop टू क्रिएट इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप ऐसे लूप होते हैं जहाँ पर कंडीशन पहले से पता नहीं होता. यदि आपको कोई लूप बनाना है, लूप का कोई प्रोग्राम बनाना है और आपको उस प्रोग्राम का लास्ट लिमिट पता नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको while loop को प्रीफर करना है. यदि आपको लास्ट लिमिट पता है, जैसे आपको 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे फिनिश होगा, तो ऐसे केस में आप फॉर लूप प्रीफर करिए. लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ऐसे केसेस में आपको फॉर लूप को, ऐसे केसेस में आपको while लूप को प्रीफर करना है. ठीक है, कंडीशन फाइनाइट पे फॉर लूप, कंडीशन इनफाइनाइट पे while लूप. मैं आपको सिंटैक्स बताना चाहता हूँ कि while लूप का बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, कि पहले आपको इनिशियलाइजेशन, इसके बाद while में सभी स्टेटमेंट सेपरेट डिफाइन किए जाते हैं. इनिशियलाइजेशन यहाँ पर होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर स्टेटमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है. मतलब इसका जो सिनेरियो बनाया गया है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो ऐसे प्रोग्राम के लिए बनाया गया है जहाँ पर कंडीशन पहले से आपको पता नहीं है, जिससे ये बहुत अच्छे से चल सके, क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है स्टेटमेंट्स में. While loop mostly used to show data where data limit is not pre-decided. जहाँ पर डेटा का लिमिट पहले से डिसाइड नहीं होता, ऐसे केसेस में आप while loop यूज़ कर सकते हैं. और बेसिक स्ट्रक्चर आपका while loop का ये होता है. इसलिए जब भी आप when we display data from database, JSON और any external resource, आप किसी बाहरी रिसोर्स से यदि कोई डेटा यदि आप डिस्प्ले करते हैं, then we mostly prefer while loop. तो हम क्या प्रीफर करते हैं? while loop प्रीफर करते हैं. तो while loop का मेन मोटिव यही है कि यदि आपको डाटा को डिस्प्ले कराना है कहाँ से, डेटाबेस से, JSON से या किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसको प्रीफर कर सकते हो. ठीक है, अब मैं आपको while loop का पूरा सिंटैक्स फॉर्मेट एक प्रोग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि while loop हम कैसे यूज़ करेंगे. नाउ बी ओपन सबलाइन, फाइल ओपन फोल्डर्स, सी ड्राइव, जैम, एच टी डॉक्स, हियर पी एच पी 8.9. आई विल सेलेक्ट द फोल्डर्स पी एच पी 8.9, इट इज़ द अवर करेंट फोल्डर्स. नाउ वी आई राइट क्लिक ऑन इट, न्यू, सेव दिस फाइल, फाइल एग्जाम्पल डॉट पी एच पी. नाउ वी क्रिएट पी एच पी टैग, हियर आई विल मैनेज वाइल डॉलर आई इक्वल्स टू 1, वाइल डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 10, इको डॉलर आई. यहाँ पर हम बी आर भी लगा सकते हैं, डॉलर आई प्लस प्लस. इसके बाद हम इसको एक एक से इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पर आपको इन सभी स्टेटमेंट को सेपरेटली डिफाइन करना है, वहाँ पर आप while loop का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो while loop का ये एक्चुअल यूज़ नहीं है. while loop का मेन यूज़ कहाँ पर होता है? इनफाइनाइट लूप के लिए हम while loop को प्रीफर करते हैं. वी विल मोस्टली यूज़ while loop. ठीक है, वो प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा. अभी मैंने आपको फाइनाइट while loop, मतलब आपको यदि फाइनाइट बनाना है तो फाइनाइट while loop भी आप बना सकते हैं. ठीक है, नाउ ओपन XAMPP कंट्रोल पैनल, स्टार्ट अपाचे ओनली. नाउ वी गो ऑन लोकल होस्ट / php 8.9. After that, while example dot php, it has printed
1 to 10, इसने 1 to 10 पूरा प्रिंट कर दिया। अब यदि मुझे इसी प्रोग्राम को, नाउ वी गो ऑन, नाउ वी क्रिएट अनदर प्रोग्राम्स, ठीक है, विच एक्सप्लेन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाइल लूप, जो व्हाइल लूप का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको बताएगा, मतलब इनफाइनाइट लूप की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया व्हाइल के अंदर ट्रू, तो ये प्रोग्राम आपका इनफाइनाइट टर्म्स में चलेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर, अब मैं इसमें यूजर से लेकर के नहीं बता सकते, इसे सिंपल मैंने यहाँ पर एक फ्लैग ले लिया, डॉलर फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे इसको फ्लैग दे दो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब ये फ्लैग जब तक चलता रहेगा जब तक ट्रू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आई काउंटर भी ले लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे डाटा डिसाइड नहीं। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया, इफ डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे डॉलर फ्लैग की जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा फॉल्स, और यहाँ पर हर सेकेंड में मैं आई की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर। ये एक सिंपल एक सैम्पल समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइल में ट्रू पास कर दिया, ये ट्रू लगातार चलता जाएगा, जैसे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और ये लूप आप लूप से बाहर आ सकते हो। इसमें चाहो तो आप इको कर दो, इको का इस इफ से कोई मतलब नहीं है, इको आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा। ये इफ तो हमने इसे लगाया लिमिट के लिए, ठीक है। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंडीशन क्या, आई 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, फ्लैग की वैल्यू पहली बार में क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, जैसे 6 आया तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अभी तो मैं, मेरे पास कोई भी ऐसा कोई डाटा सोर्स नहीं है जो डायनेमिकली डाटा को लेकर के आए, इसलिए मैं यहाँ पर हार्ड कोड आपको ट्रू और फॉल्स समझाना चाहता हूँ कि व्हाइल के अंदर यदि अपन ट्रू पास करते हैं तब तक ये चलता है, जैसे इसके अंदर फॉल्स आता है वैसे ये लूप से बाहर चला जाता है। तो ये एक प्रोग्राम है जो इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम है, यदि मैं ये कंडीशन नहीं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये लूप आप एक बार देख सकते हो कि पूरा इनफाइनाइट सीक्वेंस में आपका लूप चलेगा और ये लूप आपका लगातार चलता ही जाएगा। ऐसे लूप को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इसलिए अपने को जब भी अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर हमें पर्टिकुलर्स एक लिमिट आपको लगाना जरूरी है। यदि मैं ये लिमिट नहीं लगाऊंगा तो ये प्रोग्राम आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसा हम इसमें सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से हम समझ सकते हैं कि व्हाइल किस तरीके से किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। अब व्हाइल का नॉर्मल एक लिमिटेशन भी है कि व्हाइल इज़ नॉट नेवर यूज फॉर फाइनाइट स्टेटमेंट्स। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। व्हाइल कंटेन कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम, hence we never prefer while loop for infinite conditions, condition based program, finite condition based program। जो आपके finite condition based programs होते हैं वहाँ पर हम while loop को prefer नहीं करते। we prefer फॉर लूप फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, जहाँ पर आपका फाइनाइट प्रोग्राम्स है, जहाँ पर आपको लास्ट लिमिट पता है, वहाँ पर हम फॉर लूप को प्रीफर करते हैं। वी विल प्रीफर फॉर लूप फॉर दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए फॉर लूप जो है इट्स द बेस्ट वेज, ओके। तो इस सेशन में मैंने आपको व्हाइल लूप के बारे में बताया। आप जितने प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम्स को व्हाइल में चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। Okay, thanks for this session.